नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना। और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 35,000 से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम जुड़ा मतदाता सूची में, 800 से ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। शेरपुरा कड़ा पिपरिया के गरीब परिवारों ने आवास योजना में धांधली की शिकायत कलेक्टर से की, अधिकारियों पर लगाया सब्सिडी में गोलमाल करने का आरोप। और उजारपुरवा स्थित कुएं में मिली लापता व्यक्ति की लाश, जांच में जुटी लाटगंज पुलिस। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं सुधार कार्य करवाने का सिलसिला जारी है, जो 11 सितंबर तक चलेगा। शहर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 800 बीएलओ तैनात हैं, जो मतदान केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में सुधार कार्य किया जा रहा है, साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्य के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी है। शहरी क्षेत्र में करीब 800 बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो मतदान केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब तक करीब 35,000 से ज्यादा नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा चुके हैं। 6 नंबर नए मतदाता जोड़ना ज्यादा फोकस दे रहा है। 7 नंबर जो कटवा के शादी करके जा चुके हैं, ट्रांसफर जा चुके हैं, जे उनके एक्सपायर हो गए हैं, ये उनके लिए। 8 नंबर है जिनका पता में थोड़ा सुधार करना है, पिन कोड में, नाम में सुधार करना है, या फिर जाति में कुछ लिखना है अपन को, बस वही कार्य चल रहा है। जाते कितने लोग की टीम लगी हुई है पर विधानसभा का बूथ वाइज देखिए? जी, विधानसभा हर विधानसभा में जितने बी एल ओ, कम से कम 224 बी एल ओ हैं, वो पूरे लगे हुए हैं यहाँ पर। केवल 224 पूर्व में बताइए, पश्चिम में अलग है, मतलब कुल मिला के 800 के लगभग पूरे बीएलओ लगे हुए हैं जबलपुर क्षेत्र में। कितने दिन तक का काम गई किया? ये 30 तक, 31 तक था, 31 तक के साथ फिर 11 तक तक बढ़ा दिया गया है उसको। अब इसमें भी कार्य पूरा करना है उसको हम लोग को, मतलब घर घर जाकर, घर में भी देखा है, कोई भी मतदाता छूटे ना। जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि किसी भी मतदाता का नाम छूटे ना, ताकि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। शेरपुरा तहसील की गढ़ा पिपरिया में कुछ गरीब परिवार आवास योजना में व्याप्त गड़बड़ियों से परेशान हैं। हितग्राहियों ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि सब्सिडी नहीं दी जा रही है और डबल ट्रिपल रकम वसूल की जा रही है। बरगी विधानसभा क्षेत्र की गढ़ा पिपरिया में रहने वाले कुछ गरीब परिवारों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम लिखा पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि आवास योजना के तहत दिलाए गए 1 लाख रुपए के लोन में सब्सिडी नहीं दी जा रही है और दी गई रकम से कई गुना रकम सिर्फ ब्याज के नाम पर वसूल की जा रही है, जिसके चलते जीना मुश्किल हो रहा है। ये बरगी विधानसभा अंतर्गत गढ़ा पिपरिया का मैटर है, शेरपुरा तहसील के इन गरीब भोले वाले जनताओं के साथ वहाँ के 2015-16 में सरपंच द्वारा इनको 1-1 लाख रुपए के आवास योजना के नाम पर इनको 1-1 लाख रुपए के लोन दिलाए गए थे। वो लोन में कहा गया था कि इसमें 50,000 रुपए माफ़ हो जाएंगे, 50,000 आपको चुकाना है। ये बेचारे पिछले 2015-16 से वो 50,000 चुकाए जा रहे हैं और जब भी ये बैंक जाके वहाँ पूछते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि अभी आपका सिर्फ ब्याज चुका है, अभी मूल आपका बाकी है। और देखने में ये भी आता है इसमें बहुत सी महिलाएं वृद्ध हैं, कोई आंगनबाड़ी में खाना बनाती हैं, तो इसमें जो योजना का पैसा आता है वो भी किस्त के नाम पे काट दिया जाता है। आज इनके पास पैसे की बहुत वो चल रही है और गृह बसर इनका नहीं हो पा रहा है, और बैंक द्वारा जब ये किस्त नहीं देते तो इनके घर जाया जाता है, इनको ताला डाल दिया जाता है और ताला डाल के इनके ऊपर पैसा जमा करने का दबाव बनाया जाता है। बड़ा मकान दिया गया था हम लोग को 1 लाख का, तो जो 50,000 माफ़ किए गए थे तो माफ़ नहीं हुए और हम लोग का लोन चुक रहा है अभी तक और ब्याज ले रहा है हम लोग से। कितने परिवार हैं वैसे वहाँ पर? हम हूँ 20-25 जन, 15 आदमी हैं मकान वाले। बरगी से आए हो? नहीं, गढ़ा पिपरिया से। गरीब परिवारों का कहना है कि बैंक और ग्राम पंचायत में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए कलेक्टर से गुहार लगाना पड़ रही है। नगर निगम द्वारा संचालित 5 स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान मानस भवन में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि बच्चों के जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाने का काम शिक्षक करते हैं, उनके प्रति जितना भी आभार जताया जाए कम है। महापौर गुरुकुल के शिक्षकों का सम्मान समारोह मानस भवन में आयोजित हुआ, जिसमें नगर निगम द्वारा संचालित 5 स्कूलों के करीब 50 शिक्षकों का सम्मान किया गया। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए गुरुजनों की वंदना की।
महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शिक्षक ज्ञान के जरिए अज्ञान के अंधेरे को मिटाते हैं, उनके प्रति जितना भी आभार जताया जाए कम है। दुनिया में मिलेगी हम लोगों को जोश, देगी जोश, और इनको आशीर्वाद देने वाले, इनका मार्गदर्शन करने वाले, इनका जीवन शैली बनाने वाले ऐसे प्रचार्य हमारे और ऐसे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शिक्षक सम्मान समारोह में शहर की कई हस्तियां भी उपस्थित रहीं, सभी ने शिक्षकों का अभिनंदन किया। जोरदार तालियों के साथ भैया के और स्वागत करें, धन्यवाद, जय हिंद। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी संस्कारधानी में धूमधाम से मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक बढ़ गई है और लोग इस पर्व को मनाने के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व पर बाजार सज गए हैं और त्योहार मनाने के लिए तैयारी कर रहे लोग बाजार पहुंचकर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के लोगों में नंदलाल के जन्मदिवस का खासा उत्साह नजर आ रहा है एवं सभी अपने अपने पसंद अनुसार भगवान श्री कृष्ण की झांकी तैयार करने और उनका पूजन करने के लिए जमकर खरीदी कर रहे हैं। जन्माष्टमी देखिए कृष्ण भगवान के जन्म का त्यौहार है और यहाँ पर जबलपुर में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप रौनक बाजार में देख ही रहे हैं, इस रौनक में हम भी भगवान के पोशाक, मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ सब खरीदने के लिए आए हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि पर्व 2 दिन का है, पर ये पर्व मेनली 6 तारीख की शाम से लेकर 7 तारीख का है, तो 7 तारीख को ही मेनली मनाया जाएगा और काफ़ी हर्षोल्लास है हमारे बीच में इस त्यौहार। देखिए मैं खोआ वगैरह लेके जा रही हूँ, घर में मिठाइयाँ बनाऊँगी, भगवान के पोशाक, घर में डेकोरेशन का सामान लिया है, भगवान के नए कपड़े लिए हैं और बच्चों को, मेरे छोटे बच्चे हैं तो दोनों को काफी खुशी है भगवान का बर्थडे मनाने की, तो इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फैमिली। हालांकि जन्माष्टमी पूजन को लेकर चल रहे असमंजस के बीच अधिकांश रहवासी 7 सितंबर को ही यशोदा नंदन का जन्मोत्सव मनाएंगे। आगामी पर्वों पर शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए अब थाना एवं चौकी स्तर पर भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी श्रृंखला में गौर चौकी में भी शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। गौर चौकी में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें पुलिस अधिकारियों ने समिति सदस्यों को कलर एवं एसपी द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सदस्यों से ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर चौकी में सूचना दें या वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दें, उसका तत्काल ही निराकरण कराया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को लेकर क्षेत्र में जितने भी गाँव थे उनके वरिष्ठ नागरिकों को एवं सरपंचों को बुलाकर शांति समिति की मीटिंग ली गई, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों को अक्षरशः बताया गया। डीजे के संबंध में बताया गया कि रात्रि 10 बजे तक का ही माननीय कलेक्टर साहब का आदेश है, और भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो पुलिस को अवगत कराएँ, पुलिस के द्वारा जो है बराबर सहयोग किया जाएगा, इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया। अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि अभी उन्हें केवल 5,000 रुपए मानदेय प्राप्त होता है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे अंशकालीन कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी व्यथा सुनाते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजाति छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारियों के प्रति शासन उपेक्षित रवैया अपना रहा है, जिससे उनको परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है। 2013 से रसोई कार्य कर रही हूँ आदिवासी बालक छात्रावास में, मेरी वेतन सिर्फ 5,000 है, तो मैं कलेक्टर महोदय जी से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मानदेय सही रूप पर दिया जाए, जिससे कि हमारा जीवन व्यापन चल सके। आज जबलपुर कलेक्ट्रेट पर आकर सभी छात्रावास पे जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन मांग वृद्धि के संबंध पर सम्माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि पूरे कर्मचारियों को वेतनमान बढ़ा है, पर हमारे छोटे कर्मचारी जो छात्रावास पर रसोई का काम करते हैं उनको सिर्फ अभी 5,000 रुपये वेतन, जिससे कि उनका जीवन अपन नहीं हो पा रहा है। इसी संबंध में पूरे जबलपुर जिले के कर्मचारी आज जबलपुर सम्माननीय कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देकर अवगत कराया कि हमारी भी मांग सुनो और हमारे वृद्धि वेतन वृद्धि को और बढ़ोतरी करो, इसी संबंध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। कर्मचारियों ने जल्द से जल्द मांगे पूरी करने पर जोर दिया है।
कचपुरा माल गोदाम के पास स्थित पुष्पनगर गुरुकुंज समेत तीन अन्य कॉलोनियों में लोग अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। आलम यह है कि विद्युत तार खंभों से नीचे झूल रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़कों के किनारे खंभों से नीचे झूलते तारों का ये नज़ारा कचपुरा ब्रिज माल गोदाम के पास का है। यहाँ पर 5 कॉलोनियाँ बनी हैं और पिछले कई वर्षों से कॉलोनी के रहवासी स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि अब आने वाले विधानसभा और लोकसभा का बहिष्कार करने में सक्षम है। क्या समस्या है वहाँ की? वहाँ की मुख्य समस्या है मुख्य सड़क, मुख्य जल निकासी और लाइट और खम्भे। वहाँ पर टीसी का तार ऐसे झूल रहे हैं नीचे कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि 5 फुट से नीचे कोई बच्चा लाइट के तार पकड़ लेगा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हादसों को आमंत्रण देते विद्युत तारों को व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। एक लापता व्यक्ति का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना चारपुरवा क्षेत्र की है। मृतक की शिनाख्त सर्वोदय नगर निवासी भीमराव के रूप में हुई है। लाडगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। उजारपुरवा क्षेत्र में स्थित एक कुएं में लाश मिलने की घटना से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर लाडगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। मृतक की शिनाख्त सर्वनगर निवासी भीमराव के रूप में हुई। लाडगंज थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि भीमराव के परिजनों ने बीते दिन ही उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। ये यहीं सर्वोदय नगर उजारपुरवा का रहने वाला है भीमराव करके। कल इसके परिवार में उसकी पत्नी द्वारा गुमनसान दर्ज कराया गया था और आज इसकी बॉडी यहाँ कुएं के पास मिली है। जांच जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।